साइंस कहता है दिल में हड्डी नहीं होती इश्क कहता है अगर ऐसा होता है तो दिल टूटता कैसे है आप मेरे हाथ में है जी। ऐसा लगता है इसको पढ़कर कि मनोज के दिल को इस किताब में लिखे हुए हर शब्द ने हर अक्षर ने बेहद करीब से देखा करीब से छुआ क्योंकि इसमें कुछ रोमानियत भरे एहसास भी हैं किसी लड़की से मुलाकात का जिक्र भी है जिससे शायद पहली बार इश्क हुआ जो शायद अब नहीं है ऐसी तमाम जो है अल्फाज मुझे इसमें दिखाई दिए आपका कोई भी पसंदीदा हिस्सा जो आप हमारे ऑडियंस के लिए इसमें पढ़ सकें देखिए मैं एक बात कहूँगा कि ये किताब लिखने की या किसी भी तरह के जो भी मैंने गीत लिखे हैं थोड़े बहुत उनकी सिर्फ एक वजह थी कि मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले दोस्तों मैं उस मोहब्बत का शायर हूँ जो आदमी को इंसान बना देती है उसने छू के मुझे पत्थर बशीर बद्र साहब उसने छू के मुझे पत्थर से फिर इंसान किया मुद्दतों बाद मेरी आंख में आंसू आए मैं उस मोहब्बत का शायर हूँ दोस्तों जो चिता तक अपने महबूब के मिलने का इंतजार करती है कौन जली ये बावरी उठ उठ बैठी रोए कौन जली ये बावरी उठ उठ, उठ बैठी रोए चिता तलक आशा रही पिया मिलेंगे मोए मैं उस मोहब्बत का शायर हूं जो अपनी माशूका की खुशी में अपनी खुशी तलाशती है और किसी भी कीमत पर किसी भी सरहद तक किसी भी हद तक जाके उसकी खुशी के लिए कोशिश करती है कि उसके लिए तो मैंने यहां तक दुआएं की मैं चाहता हूं अगर यह शेर आप तक पहुंचे तो डॉक्टर बशीर बद्र के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए कि उसके लिए तो मैंने यहां तक दुआएं की मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो मैं उस मोहब्बत का शायर हूं जो कभी जिस्म के साथ नहीं मरती वो अगले जन्म और उसके बाद अगले और जन्म का इंतजार करती है मिलने के लिए कि तुम मोहब्बत नहीं समझती हो हम भी अपनी अना में जलते हैं तुम मोहब्बत नहीं समझती हो हम भी अपनी अना में जलते हैं इस दफा बंदिशें ज्यादा हैं छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं इस शेर के शायर रितेश रजवाड़ा यहां बैठे हुए हैं रितेश एक बार खड़े हो जाओ अपना चेहरा दिखा दो ये है नौजवान दिल्ली तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ही कुछ चीजें हैं ऐसे ही कुछ वाकयात हैं जो छन के इस किताब तक पहुंच गए और वो क्या है मनोज कहते हैं इस किताब के शुरुआती कुछ पन्नों में मेडिकल साइंस और इश्क दिल के बारे में दोनों की राय बड़ी अलग है साइंस कहता है दिल में हड्डी नहीं होती इश्क कहता है अगर ऐसा होता है तो दिल टूटता कैसे है साइंस कहता है दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर होता है इश्क कहता है सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे फिट हो जाता है ये लाइन आपने पढ़ी तो मैं पहला तो शुक्रिया अदा कर दूं अदिति जी का जो वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी गोयल यहाँ बैठी हुई है मैंने यही लाइन इनको भेज के इंप्रेस किया था कि मेरी किताब छाप दो सबसे दी आपने मैम को हाँ और अदिति बहुत खुश हुई थी और बोली कि मैं तो चाहती थी कब से आपकी किताब छापना और बहुत बढ़िया है और वाणी के साथ ही करते हैं